आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी प्रकार की आई ड्रॉप्स के बारे में और आंखों की कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी आई ड्रॉप लेनी चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी को भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरह केस में हमें दो तरह की कंडीशन मिलती है, एक कंजक्टिवाइटिस और दूसरा स्टाई। सो आपने देखा भी होगा कि गांव में बोल देते हैं कि उसको आँख में अंजनियारी निकल के आ गई है। सो उसमें केस में क्या होता है कि या तो क्या है कि उन्होंने अपनी सफाई नहीं रखी है, ठीक है, या फिर अगर किसी ने मेकअप किया था और मेकअप रिमूव ठीक से नहीं करा है तो उसके वजह से भी ये जो है नॉर्मली आपको आ जाती है, या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से ये कॉज हो सकता है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन जो हमारी आती है वो है कंजक्टिवाइटिस। सो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, जो आँख का कंजक्टिवा होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। सो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी आँख में से येलो कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। सो इस केस में जो है हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन जो है आई ड्रॉप जो है पेशेंट को देते हैं ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आई का उसको ट्रीट किया जा सके। इसमें मेनली दो तरह के सॉल्ट जो है दिए जाते हैं, एक सिप्रोफ्लॉक्सोसिन और दूसरा ओफ्लॉक्सोसिन। सिप्रोफ्लॉक्सोसिन में आपको जो है मार्केट में काफ़ी जो है नाम से जो है आई ड्रॉप मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल सिफ्रेन, जॉक्सिन डी या फिर सिप्लॉक्स। सो इन नाम से जो है आपको आई ड्रॉप जो है मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। या फिर अगर ओफ्लॉक्सोसिन की बात करें तो उसमें आपको को ओफ्लॉक्स, ज़ेनफ्लॉक्स या फिर ज़ेनोसिन के नाम से जो है आई ड्रॉप आसानी से मिल जाएगी। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट। सो आपने सुना भी होगा कैटरेक्ट क्या है, जैसे गाँवों में बोल दिया जाता है मोतियाबिंद। सो इसमें क्या होता है कि जो लेंस होते हैं आँखों पे वहाँ पे क्या है क्लाउडीनेस या फिर एक तरह से कहीं ओपेसिटी हो जाती है लेंस की, जिसके वजह से जो इंसान है उसको ठीक से दिखाई नहीं देता। सो इसमें क्या है कि ताकि जो वो लेंस हैं उनको क्लियर किया जा सके उसके लिए दो तरह की मेडिसिन दी जाती है, एक आपका कैटेलिन या फिर आपका कैरोक्सोल। सो दोनों में से कोई भी एक ही दी जाती है, दोनों नहीं दी जाती क्योंकि क्या है सॉल्ट नेम डिफर होते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी आती है ड्राई आइस। सो ड्राई आइस में क्या होता है कि जो आँख होती है बेसिकली वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। सूखी का मतलब है कि वो क्या है, मतलब अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन होती है तो उनकी आँखों से आंसू नहीं आ पाते, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्राई आइस। सो इस केस में जो है हम मेडिसिन देते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल एड टीयर्स या फिर रिफ्लेक्स टीयर्स। सो इसका जो है सॉल्ट नेम है कार्बोक्स मिथाइल सेल्यूलोस। ये ज़्यादातर उन लोगों में यूज़ किया जाता है अगर कोई काफ़ी देर से जो है फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और क्या है कि आइस में से जो है आइस में से क्या है कि वो टीयर आना जो है वो बंद हो गया, यानी कि आंसू आने क्या है वो कम हो गए हैं और क्या है कि जो लाइट है उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है आइस पे, तो उस केस में ये वाली मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज अपनी आँखों में यूज़ करता है तो उसको ये एडवाइस किया जाता है कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनको पहले रिमूव करें और उसके बाद ही आई ड्रॉप्स को आइस में डालें। इसके अलावा सेकंड है आपका जो सॉल्ट नेम हमें मिलता है वो है हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेल्यूलोस। हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेल्यूलोस जो है इसमें आपको जो है मार्केट में मेडिसिन मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल मॉइसोल या फिर सिपमेट। सो ये जो है ये क्या करता है, जो ड्राइनेस है उसको प्रिवेंट करता है और जो इरिटेशन होती है आँख में, क्योंकि क्या है कि अगर टीयर का जो है फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब अगर आँखें सूखी हो गई है तो उसके वजह से क्या है इरिटेशन हो जाती है आँख में, तो उसको क्या है उसको ये प्रिवेंट करने में मदद करती है। उसके बाद हमारी कंडीशन आती है फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी इंसान को फंगस के वजह से इन्फेक्शन हो गया है आइज में तो उस केस में एंटी फंगल आई ड्रॉप दी जाती है, और ये हम जो है अगर हम इसका सोल्ट की बात करें तो फ्लूकोनोजोल, और इसमें जो है आपको मार्केट में मेडिसिन मिल जाएगी जोकोन या फिर फ्लूकोमेट के नाम से। अब हमारी लास्ट आई ड्रॉप जो है आती है वो है एंटीवायरल आई ड्रॉप। एंटीवायरल आई ड्रॉप जो है हम यूज़ करते हैं ताकि जो वायरस इन्फेक्शन है आई का उसको ट्रीट कर सकें, और इस केस में हम आई ड्रॉप यूज़ करते हैं एकाइक्लोविर 0.3%। यह आपने जब भी सुना होगा जब हर्पीस का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उस केस में भी हम ये वाली मेडिसिन देते हैं। सो एकाइक्लोविर जो मेडिसिन है आई ड्रॉप जो है उसका हम यूज़ करते हैं ताकि जो वायरल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर सकें।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आए या फिर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।